हे गाइस, मैं हूं अतुल महतो और आज के इस वीडियो में आप सभी लोग से बात करने वाला हूं इंडस्ट्रीज में जो है थ्री फेज सप्लाई का यूज़ क्यों किया जाता है। ये थ्री फेज सप्लाई में जो है कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा जिसके वजह से आज हम लोग थ्री फेज सप्लाई का यूज़ जो है करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है इसी एडवांटेजेस के बारे में बताऊँगा जो कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं जो है आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सपोज मान लीजिए किसी नदी पे जो है एक बंदा नाव चला रहा है और नाव को जब चलाने के लिए वो जो है डंडे से पानी में जो है पुश करता है पीछे की तरफ, तो जो है उसका नाव जो है आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जब वो डंडे को पीछे से सामने की ओर ला रहा है तो कहीं ना कहीं नाव का जो एफिशिएंसी है वो जो है कम जा रहा है, और फिर से जब वो पीछे की तरफ पुश कर रहा है तो उसका नाव जो है आगे जा रहा है। तो इस चीज़ को आप जो है सिंगल फेज के साथ जो है कोरिलेट कर सकते हो। जब वो नाव को आगे ले जाने के लिए डंडे को पीछे की तरफ पुश कर रहा है उसे आप जो है इमेजिन कर सकते हो हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ, और जब वो फिर से डंडे को सामने की तरफ ला रहा है जिसे आप इमेजिन कर सकते हो माइनस पीक पॉइंट के साथ। तो इस चीज़ से जो है आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो कि सिंगल फेज में जो है कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम रहा है। अब उसी नाव में जो है तीन बंदा को एक साथ बैठाया गया है और तीनों के हाथ में जो है एक एक डंडा पकड़ा दिया गया है, और उन लोगों को एक शर्त ये दिया गया है कि एक बंदा जब रेस्ट करेगा तो दो बंदा जो है अपने डंडे को पीछे की तरफ पुश करेगा, फिर एक बंदा जब रेस्ट करेगा तो बाकी दो बंदे जो है उस डंडे को पीछे की तरफ पुश करेंगे। यानी कि पानी में जब वो डंडा दो बंदा एक साथ पुश करेगा तो क्या होगा, हमारा जो नाव आगे जाने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस, यही सिस्टम जो है थ्री फेज सप्लाई पे जो है अप्लाई होती है। थ्री फेज सप्लाई का जब आप वेव डायग्राम देखोगे आर वाई बी का, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आर और बी पॉजिटिव के पीक में है तो हमारा जो वाई है वो जो है माइनस के तरफ पीक पे रहती है। उसी तरह जब वाई और बी हमारे पीक पे रहती है तो हमारा जो रेड है यानी कि आर वो जो है माइनस के पीक में रहती है, जिसके वजह से क्या होता है एफिशिएंसी में जो है बहुत अच्छा एफिशिएंसी आती है और करंट का जो रेटिंग होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, इसमें जो है लॉसेस कम होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि थ्री फेज सप्लाई का क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी ये जो थ्री फेज सप्लाई है इसमें जो है करंट का डेंसिटी बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि जो भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स होते हैं उसे चलाने के लिए हमें जो एक स्पेसिफिक रेट ऑफ का करंट जो है देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम लोग उस स्पेसिफिक रेट का करंट अगर नहीं देंगे और करंट जो है हमारा अगर पॉवर क्वालिटी का रहेगा तो वो जो है मोटर अपने फुल लोड और फुल एफिशिएंसी पे नहीं चल पाएगा। तो ये थ्री फेज जो है इसमें बहुत ज़्यादा काम पे आती है। गाइज, ये जो थ्री फेज सप्लाई है इसमें जो है पावर जो है कांस्टेंट रहता है, जिससे कि जो भी मशीन हम लोग चला रहे हैं वो जो है अपने फुल लोड पे बहुत अच्छे एफिशिएंसी पे रन करती है। एक रीज़न ये भी है कि जो भी हमारा मोटर्स होता है सिंगल फेज बोलिए या फिर थ्री फेज, उसमें जो है टॉर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। तो जैसे कि जो भी सिंगल फेज मोटर है जो कि हम लोगों के घर में ही लगा हुआ है जैसे कि फैन, तो उसमें जो है हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर यूज़ करने से जो है उसका टॉर्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब थ्री फेज सप्लाई में जो है हमें कैपेसिटर का यूज़ नहीं करना पड़ता है, उसमें जो थ्री फेज सप्लाई रहता है वही जो है मोटर का जो टॉर्क है उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है और जो है मोटर भी रन जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है। बस और एक चीज़ आप देखे होंगे कि आपके घर के पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होते हैं वहाँ पर भी थ्री फेज सप्लाई का यूज़ किया जाता है। अब थ्री फेज सप्लाई उधर यूज़ करने का रीज़न ये है कि आप लोगों को घर में सिंगल फेज का ही पावर आता है, लेकिन वो जो थ्री फेज है उस थ्री फेज में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि आर फेज में 10 घर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वाई फेज से 10 घर और ब्लू फेज से जो है 10 घर का। इससे क्या होता है कि जो लोड का जो बैलेंस जो है बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। ये जो थ्री फेज है ये यूज़ करने का और एक रीज़न ये है कि ये जो है इकोनॉमिकल बहुत सस्ता है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जो है इसे यूटिलाइज भी कर पाते हैं। तो गाइज, आई होप कि आपको जो मैंने एग्जांपल दिया उससे आप जो है बहुत हद तक समझ गए होंगे। तो गाइज, अगर फिर भी कोई भी अगर डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।